पहले से ही कर देता हूँ cos x, बुक जैसा आंसर लाने के लिए, अदरवाइज तो हमारा सही ही है. ओके cos 3x, सो y इज इक्वल्स टू cos x cos 2x cos 3x. देयरफॉर इसे लॉग ले लिया, तो इसे लॉग ले या ना ले, लेकिन ये लॉग से हम करना चाहते हैं इसलिए, अदरवाइज डायरेक्ट dy by dx भी ले सकते हैं. ओके चलो लॉग से लेंगे, क्यों नहीं लेंगे. log y is equals to log of cos x cos 2x into cos of 3x, differentiate with respect to x, so ये हो जाएगा 1 by y dy by dx. okay log x का 1 by y 1 by x और dy by dx, yes ये log x का भी हो जाएगा 1 by x. फिर यहां क्या हो जाएगा, इसका फिर से करना पड़ेगा. सो d by dx of cos x cos 2x into cos of 3x. ओके सो 1 by y dy by dx is equals to, अब ये तो है ही मल्टीप्लाई में, cos x cos 2x and cos 3x. अब इसका u v से करते हैं. ओके सो इसको अगर u v से करें, सो सबका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर हम सबका डिफरेंशिएशन करें, मल्टीप्लाई में है, हाँ यहां पे हमने गलती की है. ओके यहां पे हमने गलती क्या की है कि हमारे पास u इंटू वी है, सो U V W सही है ना. चलो तो आगे बढ़ते हैं. सपोज हम cos x को, cos x cos 2x को कॉमन ले लेते हैं, cos 2x को कॉमन ले लिया, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ sin 3x इंटू 3. ओके प्लस अब cos x cos 2x को लिया था, तो cos 2x इंटू cos 3x को ले लेते हैं कॉमन, और cos x का हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ sin x प्लस, अब cos x cos 3x को ले लेते हैं, तो cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin 2x इंटू 2. देन तीनों का कर लिया, तीनों का डिफरेंशिएशन कर लिया. नाउ हाँ यस, देखो हमने क्या किया था कि कट कर दिया था, ये कट अभी हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. ओके हम इसको ले जा रहे हैं वहां पर, देखो तो 1 by y dy by dx, अब ये प्लस 3 टर्म्स है और ये तीनों के नीचे जाएगा. ओके तीनों के नीचे जाएगा, तो देखो cos x cos 2x तो कट हो गया, और sin 3x by cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x आ गया ना आंसर. देखो cos minus 3 sin 3x by cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x. अब इसके नीचे गया है तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, देखो क्या क्या कट हो रहा है, cos x cos 2x और cos 3x कट हो रहा है, तो sin x by cos x क्या आ जाएगा, tan x. और ये भी आया माइनस ऑफ 2, और यहां पे क्या, cos x cos 3x कट हो रहा है, तो sin by cos आ जाएगा tan 2x. आया समझ में, ये स्टेप समझ में आया. हमने ये नहीं किया था, हमने क्या किया था, ये y और ये y कट किया था, समझ में आया. ओके नाउ अभी हम y को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो dy by dx इज इक्वल्स टू, ये y पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y क्या है हमारा, ये. ओके सो cos x cos 2x cos 3x मल्टीप्लाइड बाय से माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 2 10x एंड माइनस 3 ऑफ 10. यही है ना आंसर, यस. ओके डन, तो छोटा सा ही था, लेकिन हमने यहां पर कट किया, लेकिन अभी भी गलती तो ढूंढनी है. ओके ये आंसर तो आ गया बुक के अकॉर्डिंगली, यहां पर गलती क्या है. ओके यहां पर गलती क्या है कि हमारा ये आंसर आया है और इनटू में अभी भी वो है, तो वो हमने कहां कट कर दिया, वो ऊपर रख
y कट करो पची नीचे y तो अभी भी डिफरेंशिएशन में ही है, देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है और ये है, तो ये y की वैल्यू वही है cos 2x cos x एंड cos 3x, तो वो हमने कट कर दिया और फिर यहाँ पे सब प्लस में आ गए, मतलब डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम y की वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही। ओके, पूरा डिफरेंशिएशन हमने ये प्लस वाला कर लिया ना, ये पूरा प्लस वाला कर लिया उसके बाद y की वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। डन, ओके। तो क्या क्या हमने लॉग ले लिया, लॉग लेके लॉगरिथम से सॉल्व किया और लास्ट में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। डन, तो लास्ट में y की वैल्यू पुट की तो ये y की वैल्यू है और ये हमारा जो डिफरेंशिएशन का आंसर है। डन, पक्का? ओके, चलो सेकंड करते हैं।